हेलो, कैसे हैं गाइस आप लोग? गुड। तो जैसा कि हाँ बैठ जी, अब गुड़क के नहीं बैठना, सीधा बैठना। हाँ गुड़क के लग रहा है अभी तुरते जो है वो जॉन्डिस हुआ है लग। अभी जो है वो एक ये जो है वो एक सवाल पूछी, एक ये पूछा और एक हमारे जहन में आ गया जो कि हमने यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है कि नहीं, और इसको हम लोग टॉपिक बना करके जो है वो आपको बता दे रहे हैं ताकि जो आप सवाल पूछे उसका आंसर भी आपको मिल जाए और उसके साथ साथ जो है वो आपको इससे रिलेटेड आप जो है वो कोई भी तरह का ट्रांसलेशन आप आराम से बना सकते हैं, है कि नहीं। तो पहला जो है हमारा वो है मन कर रहा है, कोई भी चीज़ मन कर रहा है तो होता है ना भाई, है कि नहीं। गाना भी है मन कर रहा है छू लूं, ऐसे करके गाना भी ढेर सारा है। अब जैसे अब हम लोग गाना को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं प्लस हम लोग जो इसे इंग्लिश ही बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज गुपचुप खाने का मन कर रहा है कि नहीं, ये बोलेगा मुझे शकरकंद चबाने का मन कर रहा है कि नहीं। लड़की लोग बोलेगी मुझे अंडा रोल बनाने का मन कर रहा है, तू सोचता होगा बनाओ हम खाएंगे है कि नहीं। तो जब कोई भी इंसान को कोई भी कुछ भी करने का मन करे तो मन कर रहा में एक वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विलिंग टू। इसे क्या बोलते हैं भाई? डब्ल्यू आई एल एल आई एन जी विलिंग टू। इसका मतलब होता है मन कर रहा है और इसका जो रूल होता है वो सिंपली पहले देख लें फिर उसके बाद जो है वो हम लोग लिखने का मौका देंगे, है कि नहीं। विलिंग टू का मतलब होता है कोई भी चीज मन कर रहा है। अब डिपेंड करता कि वो है या फिर था है, उस हिसाब से रूल चेंज होगा। अगर है रहेगा तो हम लोग इज एम आर से बनाएंगे, अगर है रहेगा तो इज एम आर से, और अगर था रहेगा तो वाज या फिर वर से बनाएंगे, है कि नहीं। और उसके बाद सेम यानी सब्जेक्ट हमारा शुरू हुआ, उसके बाद है तो इज एम आर, और अगर था है तो वाज या वर, प्लस विलिंग टू। टू के बाद हम लोग कौन सा एक्शन का फॉर्म यूज करते हैं? तो उसके बाद हो जाएगा भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कि स्वाति को इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है कि नहीं, तो है यानी इज से बनाएंगे, स्वाति इज विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, है कि नहीं। आज मुझे गुपचुप खाने का मन कर रहा है, टूडे आई एम विलिंग टू ईट वाटर बॉल्स, है कि नहीं। चलिए अगर हम बोलेंगे कि इसे जाने का मन कर रहा है तो He is willing to go. He is willing to go. Go. अच्छा मुझे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है तो I am willing to play. Play, play. play क्या? Play cricket. तो play का? Cricket. अरे कहाँ पल्ले? Cricket. कित कित? Cricket. हाँ क्रिकेट, है कि नहीं। उस तरीके से अगर हम बोलेंगे कि आज मुझे नहाने का मन कर रहा है, बना सकते हैं हमको नहाने का मन नहीं कर रहा यार, आई एम नॉट विलिंग टू टेक बाथ। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, एक स्ट्रक्चर समझ आ गया भाई, मन कर रहा है yeah. इसी से मिलता जुलता है। बोला सर कि मन करता है का क्या होगा, है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि भाई विलिंग भी फोर हो गया तो भाई विल टू कर देगा, प्रेजेंट में है, वैसा कोई बात नहीं, है कि नहीं। तो ये मन करता है को कैसे बनाएंगे, तो इसे हम लोग बनाएंगे ये विलिंग टू, समझ आ गया? Yes. मिटा दें इसको। Yes, sir. इसके बाद अगर हम बात करें मन करता है तो हर इंसान को अलग अलग चीज करने का मन करता है, है कि नहीं। को लड़का को अलग चीज कुछ करने का मन करता है, लड़की लोगों को कुछ अलग चीज करने का मन करता है। लड़का लोग को क्या करता है, शाम को क्या मन करता है भाई, क्रिकेट खेल ले, फुटबॉल खेल ले, है कि नहीं, थोड़ा फिट रहे। लड़की लोग को जो है कहा लड़की लोग फिटे रहती तो उन लोग को मन करता है हम लोग कित कित खेल रहे, है कि नहीं। चाहे तो कुछ नहीं तो भाई लास्ट एकदम लाइन से बैठ के यहाँ से वहां तक एक दूसरे का ढीला बीछ रही है, बड़ी ढीला है तो साफ चढ़ा दी तुम हमको, है कि नहीं। तो सबको अलग अलग चीज मन करता है, तो इसका होता है एफ ई ई एल फील, या तो फिर एफ ई ई एल फील्स प्लस लाइक एल आई के ई लाइक, है कि नहीं। उसके बाद जो है वो एक्शन फोर्थ फॉर्म जाएगा, यहां जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि हमारा रूल क्या हो जाएगा देख लीजिए फिर आप लिख लीजिएगा। मन करता है यानी हो गया सब्जेक्ट प्लस फील या फील्स, है कि नहीं। वो सब्जेक्ट के अनुसार फील या फील्स चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट आप जानते हैं तो आप बना लेंगे। उसके बाद लाइक प्लस वी फोर, क्योंकि लाइक हेट लव विदाउट आफ्टर के बाद हमेशा वी फोर जाता है, पता कि नहीं। अब ये रूल हमारा हो गया तैयार। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने का मन करता है तो आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, इसे इंग्लिश बोलने का मन करता है तो शी फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, है कि नहीं। इसे जो है वो बार बार घर जाने का मन करता है, पता नहीं कहा है कि नहीं। तो ही फील्स लाइक गोइंग होम अगेन एंड अगेन, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि सर को
अंग्रेजी पढ़ाने का मन करता है, तो सर एक है, है कि नहीं, तो सर फील होगा ना, फील्स होगा, सेहत नहीं देखना है, आदमी देखना है कि नहीं, तो सर के साथ फील्स होगा, सर फील्स लाइक टीचिंग इंग्लिश, समझ आ गया, समझ आ गया। ये तो अभी उतार लीजिए, बस एक यहाँ पे एक ट्रांसलेशन था, मगर हम इसको लिख दिए, ट्रांसलेशन ये था कि मेरे घड़ी में 10 बज रहा है, अब घड़ी में होता है ना भाई, अब किसी को हम टाइम पूछते हैं, अक्सर इसमें दिक्कत होता है, लोग जनरली बोल देता है ए व्हाट इज द टाइम, तो बोलेगा 10:30 है कि नहीं, सो जो ठीक है, गलत नहीं है, गलत कोई नहीं बोला कि गलत है, है कि नहीं, मगर लोग जो है वो अपने आप में मॉडिफाई कर रहे हैं ना भाई, जैसे पहले के जमाने में क्या था कि लोग जब पैंट अमिताभ बच्चन वाला पैंटों पहनो तो एकदम झोले झाल, अब लड़की लोग में आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं पलाजो, और ठंड हुआ भी पलाजो चाहे लड़का पहने चाहे लड़की हो पलाजो, लड़का लोग का है भी लूंगी, ठंड हुआ एकदम यहाँ ठंडा लगेगा सन समाज, है कि नहीं करके, है कि नहीं, तो पहले क्या होता था पैंट पहनता था मतलब फुल पैंट, है कि नहीं, तो पहले चौड़ा पहनता, फिर धीरे धीरे आया छोटा मतलब नैरो, अब नैरो के बाद छोटा आ रहा है, अब धीरे 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 यहाँ तक आ गया, है कि नहीं, अब धीरे धीरे थ्री क्वार्टर आ गया, मैंने तनिसन घुटनवा से नीचे, है कि नहीं, तो जो तनी गोरा लड़का रहता है तो थ्री क्वार्टर भी नहीं पहनता, हाफ पैंट पहनता है, और जो तनी कारा रहता है घुटनवा जिसका खौरा लगा रहता है वो थ्री क्वार्टर पहनता है कि नहीं, समझे कि नहीं, तो कोई भी चीज़ का अगर समय अगर बताना हो, मेरे घड़ी में 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 10 बज रहा है, 5 बज रहा है, समय बताना हो तो पूछने का क्या मतलब होता है और बताने का क्या मतलब, तो पूछने के लिए हम लोग 2-3 तरीके का यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम नाउ, व्हाट इज द टाइम नाउ पहला, दूसरा है एक्सक्यूज मी यस कैन यू रीड द टाइम प्लीज, कैसे बोलेंगे कैन यू रीड द टाइम प्लीज, और अगर कुछ होने और यार डायरेक्ट एक्सक्यूज मी यस टाइम प्लीज, यही पूछें, और अगर यत्नो नहीं आ रहा है अब या समझे कि नहीं, तो ऐसा पूछ ली। अब जवाब बताने का नियम जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है कि नहीं, बट फिलहाल यहां पे जो मेरे घड़ी में, अब हम बोलेंगे भैया मेरे घड़ी में तो 10 बज रहा है कि नहीं, तो हम बनाएंगे माई वॉच सेज, माई वॉच सेज, वॉच सेज, घड़ी एक है ना, 8-10 को पहन ले, एक ही है ना, ज्यादा रहता तो हमने से यहां वॉच करते, यहां पे से कर देते, माय वॉच सेज 10 o'clock, माय वॉच सेज 9 o'clock, माय वॉच सेज 3 o'clock, वरना कुछ नहीं तो डायरेक्ट बोल दीजिए भाई कैन यू लीव द टाइम प्लीज 9:30,